एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स. अब स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली यूज किया जाता है बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसका मीन निकालने के लिए, उसका एवरेज निकालने के लिए. सो अब स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है, अगेन टू कलेक्ट डेटा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बहुत सारे किसी भी क्लास में ऑब्वियसली मार्क्स स्कोर किए जाते हैं, इजंट इट, फॉर एग्जाम्पल देयर इज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी क्लास में चार सब्जेक्ट्स हैं, चार स्टूडेंट्स हैं, अनीश, अनिल, मीनल और मनीषा. ओके, ये है हमारे चार स्टूडेंट्स. लेट्स अज्यूम कि उन्होंने मार्क्स स्कोर को जो किया है मैथ सब्जेक्ट में, अनिल हैज स्कोर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 50. ओके, सॉरी, अनीश हैज स्कोर्ड 40 मार्क्स, अनिल हैज स्कोर्ड 44 मार्क्स, मीनल हैज स्कोर्ड 36 मार्क्स एंड मनीषा हैज स्कोर्ड 30 मार्क्स. अब मुझे पता करना है इनका एवरेज कितना होने वाला है. अगर मुझसे पूछा जाए कि इस क्लास का, ओके, फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली देयर गोइंग टू बी मोर देन, देयर गोइंग टू बी अबाउट 40 और 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, बट हमने एक अज्यूम किया कि यहां पर चार स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एक क्लास में. अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास, या फिर व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स बाय क्लास सो एंड सो, तो उस वक्त पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टोटल मार्क्स को हम ऐड करते हैं. सो सम ऑफ ऑल मार्क्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ मार्क्स, तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 44 प्लस 36 प्लस 30, सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड देन 150. सो टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं हमारे पास, 150. मुझे क्या पता करना है लेकिन एवरेज. सो एवरेज जो होता है, जिसको मीन भी कहा जाता है, सो मीन या फिर जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. ये फॉर्मूला है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. इसको कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन. समेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एक्स आई. XI का मतलब क्या होता है कि ये I की जो वैल्यू वो वेरी करती है, कहां से कहां तक, I इज इक्वल टू 1 से N तक डिवाइडेड बाय N. अब मतलब इस टर्म का मतलब क्या होता है, ये जो XI है इसका मतलब है ये 1 से N तक. सो X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 अप टू कहां तक, डॉट 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 XN तक, ये हम ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं. अगर इस यहां पर अगर मुझे इसका मीन निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ मार्क्स. तो फिर टोटल समेशन कितना आया, सो समेशन ऑफ मार्क्स कितना आया, सो विच इज दिस, कहां से कहां तक है ये, दिस इज एक्स आई, कहां से, एक्स इज इक्वल टू 1 से 4 तक, इजंट इट, ये 1 से और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, isn't it? So 1 से 4 तक का जो समेशन होगा that would be equal to 150. So this is equal to 150 divided by, अब n कितना है मेरे पास, n है मेरे पास total number of scores कितने होते हैं, अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, जो number of entities हमारे पास होती है that is counted in n. So ये हो जाता है divided by 4. इसको अगर मैं calculate करूँ, so this would be equal to 37.5. So 37.5 मार्क्स जो है वो ऑन एन एवरेज हर बच्चे ने, मतलब उस क्लास का जो एवरेज होगा या उस क्लास का जो मीन होगा, दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला. सो और वो कितना आया है, 37.5. अब इस सेम क्वेश्चन को देखते हैं एक बेटर एग्जांपल के थ्रू, सो दैट अगर इफ देयर इज सम डाउट इट कैन गेट क्लियर. सो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो मीन होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल, मतलब कि जो भी इसके अंदर तो स्कोर दिया गया था, बट अगर कोई और भी चीज हो, सो फॉर एग्जांपल कितनी क्वांटिटी खाई गई है, या फिर सम ऑफ व्हाटएवर क्वांटिटी दे हैव गिवन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी. एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अ परसेंटेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज गिवन बाय फॉलोइंग टेबल. ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का जो टेस्ट है उसको उसका जो टेबल में हमको दिया गया है. अब हमने मीन स्टैटिस्टिकल देखा था, देयर इज वन मोर मीन ऑफ
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको डायरेक्टली मेथड, डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन को करने से पहले देयर इज वन दिस थिंग दैट वी नीड टू नो, दैट इज मीन इज इक्वल टू, सबसे पहले मीन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, x बार कहीं पर भी देखिए दैट इज इक्वल टू मीन, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय n. अब x क्या होता है, कितने, जैसे कि अगर हमने वो क्वेश्चन देखा उसके अंदर वो थे, उसको क्लास मार्क के नाम से जाना जाता है. अब क्लास मार्क क्या होता है वो हम देखते हैं, f जो होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो मार्क्स थे वो थे उसकी फ्रीक्वेंसी. अब क्लास मार्क क्या होता है हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं. ओके, क्वेश्चन है हमारे, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज गिवन बाय फॉलोइंग टेबल, देन फाइंड द मीन परसेंटेज. अब कुछ परसेंटेजेस हमें गिवन है, लेट्स सी देम. पहला परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और यहां पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, अब ये कितने हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने कितने हैं मेरे पास, 0 to 20% में है, 0 to 20% में है मेरे पास 3 स्टूडेंट्स, एंड देन 20 to 40 में है मेरे पास 7 स्टूडेंट्स, 20 to 40 में है मेरे पास 7 स्टूडेंट्स, 40 to 60 में है 15, 40 to 60 में है मेरे पास 15 स्टूडेंट्स, 60 to 80% के अंदर, मतलब 60 to 80% क्लास में कितने बच्चे लेकर आए हैं 20, एंड देन 80 to 100 में है हमारे पास, 80 to 100 में है हमारे पास 5 स्टूडेंट्स, मतलब कि देयर आर जस्ट 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने 80+ परसेंटेज स्कोर किया. ये टेबल हमें गिवन है. अब मुझे क्या पता करना है कि इसका मुझे कैलकुलेट करना है, द परसेंटेज मार्क्स ऑफ द 50 स्टूडेंट्स इन टेस्ट इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द परसेंटेज. मुझे इन परसेंटेज का मीन पता करना है. ओके, अब सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका एक डेटा टेबल बनाते हैं. सबसे पहले यहां पर क्या होती है, पहली चीज इज परसेंटेज, दिस इज द डेटा टेबल. अब इसके अंदर तो बहुत कम क्वांटिटीज, जितनी अगर और भी क्वांटिटीज गिवन होती तो हम उसको इसी तरीके से यहां पर लिखते. पहला है क्लास. क्लास क्या होता है, दिस इज बेसिकली द इंटरवल जो हमें गिवन होता है कि इस इंटरवल तक लोगों ने ये किया है, इस इंटरवल से इस इंटरवल तक लोगों ने ये किया है. हम लोगों ने मीन के लिए वो फॉर्मूला कब यूज किया था, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, जब हमें स्पेसिफिक पता था कि इसके इतने मार्क्स आए हैं, मनीषा के इतने मार्क्स आए हैं, अनीश के इतने मार्क्स आए हैं. लेकिन यहां पर क्या है, मुझे एक रेंज गिवन है कि इतने यहां से यहां तक बच्चों ने, तीन बच्चों ने 0 to 20% लाए है, 7 बच्चों ने 20 to 40% लेकर आया है, 50 ने 40 to 60% लेकर आया, और मुझे, और वो बेसिकली मुझे क्लास गिवन है, क्लास इंटरवल, उस इंटरवल के बीच में मुझे वैल्यू जो पता करनी है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं जिसको डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है. अब क्लास परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अब यहां पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ओके, नेक्स्ट कॉलम इज गोइंग टू बी क्लास मार्क, दिस इज गोइंग टू बी क्लास मार्क, नेक्स्ट कॉलम इज गोइंग टू बी फ्रीक्वेंसी, या फिर जिसे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, इसको एफ आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और लास्ट है हमारे पास एफ आई एक्स आई. ओके, ये है हमारे पास क्लास मार्क जो होता है, ये होता है एक्स आई, यू डोंट नो व्हाट क्लास मार्क इज टिल नाउ. ओके, और लास्ट में हमारे पास होता है क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एफ आई इंटू एक्स आई, एक्स आई, मतलब कि ये दोनों जो टर्म्स आती है उनका मल्टीप्लीकेशन हम लिखेंगे वहां पर. अब पहला क्या है हमारे पास, 0 to 20, नेक्स्ट इज 20 to 40, उसके बाद है 40 to 60, और उसके बाद है 60 to 80, एंड देन 80 to 100, यही है. क्लास मार्क होता है दोनों इंटरवल्स का एवरेज, मतलब कि 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 0 + 20 इज 20, डिवाइडेड बाय 2 इज डिवाइडेड बाय 2 इज 10, 20 + 40 कितना होता है 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30, 40 + 60 इज मतलब 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, 60 + 80 is 140, 140 divided by 2 is 70,
और 80 प्लस 100 इज 180, 180 डिवाइडेड बाय 2 इज 90, ये है मेरे क्लास मार्क्स की वैल्यू। तो वो क्या होता है, इन दोनों का मीन, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं। सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 जो होता है, दैट इज आवर क्लास मार्क। ओके, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 0 से 20 में कितने हैं मेरे पास, 3 स्टूडेंट्स है, 20 टू 40 में मेरे पास 7 स्टूडेंट्स है, 40 टू 60 में मेरे पास 15 स्टूडेंट्स है, 60 टू 80 में मेरे पास 20 स्टूडेंट्स है, और 80 टू 100 में मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है। ओके, ये है मेरी फ्रीक्वेंसी। लास्ट कॉलम क्या है मेरा, FI into XI, मतलब कि समेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। सो 3 into 10 is 30, 7 into 30 कितना हुआ 210, 50 into 15 that would be equal to 750, 20 into 70 that is equal to 1400, and last one is 90 into 5 is 450, so this is 450. Okay, अब ये आगे हमारे पास ये टेबल अब मेरी हो चुकी कंप्लीट, बट इज इट कंप्लीट, नहीं। अब मुझे एक कुछ चीजें निकालनी पड़ती है, दैट इज हमने फॉर्मूला देखा था, वो क्या होता था, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, यही था। सो अब सॉरी, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, यस। तो फिर अब यहां पर क्या था, क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब कि इन सब का समेशन, और ये क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बेसिकली कितने लोगों की लिस्ट दी थी हमको, 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट दी थी, इन सबको ऐड करके अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी का समेशन हमेशा उतना ही आ जाता है जो नंबर होता है। सो इसमें 50 स्टूडेंट्स थे, सो 50 आ गया मेरा आंसर। इनको अगर मैं टोटल करूं तो आंसर इज गोइंग टू बी 2840, सो द आंसर इज 2840, व्हाट इज दिस, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई is equal to summation of 2840. मुझे अगर mean निकालना है तो मुझे उसको उस formula में put करना पड़ेगा. That would be equal to summation of fi x i divided by summation of fi. Summation of fi x i कितना है? 2840. और fi कितना है मेरे पास? 50. So this is equal to 2840 divided by 50. ये दोनों हुआ cancel out. तो फिर ये हो जाएगा 56.8% on an average every student has scored 56.8%, the mean of the percentage. अब इन percentages का अगर मैं mean निकालूं, provided इतने students इस class के अंदर आ रहे हो, मेरा 56.8। इस तरीके से हम लोग मीन को कैलकुलेट करते हैं अगर हमें रेंज गिवन है और उस इंटरवल का मुझे एवरेज निकालना हो। एक और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि यू नो थिंग्स विल गेट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड और यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो अब इसीलिए जस्ट वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, हम लोग रेगुलर फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय एन कब करते थे, जब मुझे स्पेसिफिक नंबर्स पता हो कि किसने कितने परसेंटेज स्कोर किए। क्या मुझे यहाँ पे पता था? नहीं, मुझे इंटरवल्स पता थे। तो उस टाइम पे जब सिर्फ इंटरवल्स पता हो तो इसी फॉर्मूला को, इसी प्रोसीजर को रिपीट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, द मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ डिग्री इन 30 टाउन्स इन लास्ट समर इज शोन बिलो। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर्स पता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली जो डेटा टेबल है वो बनाता हूं। पहले यहां पे एंट्री कर लेता हूं, क्लास मतलब कि डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस जो भी है वो टेम्परेचर में आने वाला है, टेम्परेचर या फिर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, क्लास मार्क जिसको हम किससे, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार या कितनी वो टेम्परेचर रिपीट हुआ है। ओके, अब या फिर कितनी जगहों पे वो टेम्परेचर रिपीट हुआ है, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, अब क्लास मुझे गिवन है यहां पे 24 टू 28 डिग्री सेल्सियस और 28 टू 32 32 to 36, 36 to 40, and the last one is 40 to 44.
ये है मेरे क्लास। अब मुझे क्लास मार्क निकालना है, पहले उससे पहले देखते हैं हमें जो गिवन है उसके बारे में। तो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मतलब कि मुझे पता है कि किस कितने नंबर ऑफ टाउन्स में इतना टेम्परेचर था उस वीक में, ठीक है। तो 24 to 28 था चार टाउन्स में, सो नंबर फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ टाउन्स ओके। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई से। सो ये है चार टाउन्स में इतना टेम्परेचर था, एंड देन 5, 7, 8, 6 पांच में था इतना, सात में था इतना, 8 में था 36 टू 40 एंड देन 6 में था 40 टू 44 डिग्री सेल्सियस। अब क्लास मार्क मुझे निकालना है, क्लास मार्क कैसे मैं निकालता हूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 24 प्लस 28 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 2 इज 26, सो दिस इज इक्वल टू 26। इन दोनों को अगर मैं करूं 28 प्लस 32 इज 60 का हाफ कितना होता है 30, 32 प्लस 36 कितना होता है 68 का हाफ इज 34, 40 प्लस 36 कितना होता है 76 का हाफ इज 38, और 40 प्लस 44 कितना होता है 84 का हाफ कितना होता है 42, सो 42 होगा यहां पे, सो 42। अब मुझे इन सबके क्लास मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है एफ आई इंटू एक्स, मतलब कि दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। अब 26 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 104, 5 इंटू 30 इज 150, 34 इंटू 7 इज 238, 42, this 76 और इसका ओके दिस इज 40 प्लस 36 कितना होता है दैट इज 76 का हाफ इज 38, सॉरी एक्चुअली आप ये कैसे पता कर सकते हो आप गलत हो, ये रेंज हमेशा सेम होती है, देखो इसमें चार का डिफरेंस है, इन दोनों में चार का डिफरेंस है, मेरा आंसर 42 आया था, सॉरी तो फिर वो ऑब्वियसली गलत ही होने वाला था, सो दिस इज करेक्ट वन, क्यों आप टोटल इन दोनों के बीच के जो इंटरवल्स है वो सब में सेम है चार चार के। नेक्स्ट 38 इंटू 38 इज 304, और 42 इंटू 6 इज इक्वल टू 252। तो अब ये आ गए मेरे पास एफ आई एक्स आई की वैल्यूज, और ये है मेरे पास क्लास मार्क। मुझे क्या चाहिए होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, मुझे कितने टाउन्स की गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है द मैक्सिमम टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस ऑफ 30 टाउन्स, कितने टाउन्स है 30, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आने वाली है आप ऐड करके भी देख सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी 30। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना होने वाला है, दिस इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, दिस इज इक्वल टू, और ये क्या है दिस इज आर समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना है 30, समेशन ऑफ एफ आई कितना एक्स आई कितना है दैट इज इक्वल टू 1048, दिस इज इक्वल टू 1048। तो अब मीन क्या होने वाला है, मीन हमारे पास होता है इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब ये कितना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, दिस इज 1048 डिवाइडेड बाय 30, सो इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो फिर ये हो जाएगा दिस वुड बी इक्वल टू 34.9 डिग्री सेल्सियस, दिस वुड बी इक्वल टू 34.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये है एवरेज टेम्परेचर ऑफ मीन टेम्परेचर ऑफ द ऑफ दैट प्लेस की, मीन टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर जो गया है उन 30 टाउन्स का दैट इज इक्वल टू 34.9। सो इस तरीके से हमें जब भी इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए अगर डायरेक्ट मेथड से करने को बोला जाए तो यही मेथड को फॉलो करना है।